हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडी जैम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे आरके जैन से फ्लूड मैकेनिक्स ए वो थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक। और ये 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 131 से लेके 180 तक के, ठीक। और इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो इससे पहले के लेक्चर में हमने कवर कर लिए हैं, तो उनको आप देख लीजिएगा। और हम लोग की फ्लूड मैकेनिक्स कवर हो गई है, वो भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो 131 है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इंथैल्पी। तो इंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। सही है, इट इज़ द सेम एज हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये भी सही है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये भी सही है, ओके। इसके बाद डी है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये आपका गलत है, ठीक, क्योंकि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। इसके बाद 132 है, इफ़ एच बी द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू डू वर्क डब्ल्यू विद चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ यू। तो यू इक्वल टू क्या होता है आपका, हीट माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो इसमें इसको एच से कराए सो, तो एच इक्वल टू होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ओके। तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, ओके। इसके बाद 133 है, हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड यूज फॉर रेजिंग टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 134 है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वर्क डन बाई अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड बाई द सिस्टम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेंस कॉन्स्टेंट। इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी ड्यूरिंग अ प्रोसेस रिमेंस कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेंस कॉन्स्टेंट। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब टोटल एनर्जी तो आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी ना, तो इसी तो यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। इसके बाद 135 है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अभी आपको बताया, तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आपका 136 है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निशेस द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको रिलेशनशिप देता है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम यू, और उसके बाद हीट माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद 137 है, चेंज इन इंथैल्पी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट। तो इसका होगा प्रेशर, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन इंथैल्पी आपका हीट ट्रांसफर के बराबर होगा, ओके। इसके बाद 138 है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो इंटरनल एनर्जी भी आपकी हो जाएगी कांस्टेंट, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 139 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ क्लोज्ड सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कॉन्स्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी आपकी होती है हीट माइनस डब्लू, ठीक। अब अगर आपको इंटरनल एनर्जी को हीट ट्रांसफर के बराबर करना है तो इसको आपको करना पड़ेगा जीरो, और ये जीरो कब होगा, जब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। पीडीवी होता है, तो अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो डीवी आपका हो जाएगा जीरो, तो आपका जो आपका वर्डन होगा वो भी जीरो हो जाएगा, और हीट ट्रांसफर इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के। सो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट। इसके बाद 140 है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज डेवलप्ड बाय, तो ये लॉ दिया था जूल ने, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 141 है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टिबल। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 142 है, टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज, तो टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 143 है,
first law of thermodynamics enables to determine change in internal energy to the system, does not help to predict whether the system will or not undergo a change, does not enable to determine change in entropy, provide relationship between heat work and internal energy. ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन है ई पार्ट. देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता है कि प्रोसेस मतलब कि होगा कि नहीं होगा, प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक. ये तो हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, ठीक. तो ये हो गया. इसके बाद 144 है, एडिशन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू अ गैस रिजल्ट्स इन. तो देखिए, एडिशन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, अगर आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट को ऐड कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, रेजिंग इट्स टेम्परेचर, रेजिंग इट्स प्रेशर, रेजिंग इट्स वॉल्यूम, रेजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, या फिर डूइंग एक्सटर्नल वर्क. देखिए, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और वो एक्सटर्नल वर्क भी, मतलब उसमें एक्सटर्नल वर्क भी हमें मिलेगा, ठीक. सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी पार्ट. इसके बाद 145 है, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज गिवन बाई. तो इसमें क्या होगा आपका, P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus n, P2V2 minus P1V1 divided by gamma minus 1, P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus gamma. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी पर, ठीक, P2V2 minus P1V1 divided by 1 minus. तो इसके बाद आपका 146 है, द टेम्परेचर इन अ प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाई एक्सपेंडिंग अ गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन विल बी. तो इसमें क्या होगा आपका, डिक्रीज. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. इसके बाद 147 है, द वर्क गिवन आउट ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस इन अ क्लोज सिस्टम विल इंक्रीज वेन द वैल्यू ऑफ एन. तो ये क्या होगा, जब एन की वैल्यू कम होगी तब वर्क गिवन आउट आपका इंक्रीज करेगा ड्यूरिंग एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक. अगर यहीं पे आपका कंप्रेशन प्रोसेस होगा तो एन की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक. तो एक्सप्रेशन, तो इसमें कंप्रेशन प्रोसेस के लिए इंक्रीज होगा, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है. ओके, इसके बाद 149 है, इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हीट रिजेक्टेड इज गिवन बाई. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड होगा आपका गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. इसके बाद 150 है, हीट ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज गिवन बाई. तो ये होगा आपका गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इसके इंटू सी वी टी टू माइनस टी वन. इसके बी पार्ट इसमें सही होगा. देखिए, इसमें बी और ए दोनों ही सही हैं, ठीक. तो इसमें अगर मतलब ये इस तरह से ऑप्शन नहीं वो दिया हुआ ए बी करके, देखिए गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है तो एन माइनस गामा डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई वो होगा वन माइनस गामा. तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, ए और बी, ठीक. इसके बाद 151 है, विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट कॉर्नोट साइकिल. ए है, ऑल द थर्मल इंजन्स आर बेस्ड ऑन कॉर्नोट साइकिल. यही वाला ऑप्शन गलत है. जरूरी नहीं है कि सारे इंजन आपके थर्मल इंजन कॉर्नोट साइकिल पे बेस्ड हों, ठीक. सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट. इसके बाद 152 है, कॉर्नोट साइकिल हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन. तो रिवर्सिबल इंजन के लिए कॉर्नोट साइकिल में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, ठीक. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. इसके बाद 153 है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन. तो ये बेस्ड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. इसके बाद 154 है, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन. तो ये डिपेंड करती है टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन, ठीक. इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट. इसके बाद 155 है, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम. तो देखिए, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी क्या होती है, T1 माइनस TL बाई TH, ठीक. अब इसमें देखिए, इनिशियल टेम्परेचर इज जीरो केल्विन. तो इनिशियल टेम्परेचर अगर जीरो केल्विन होगा तो ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी हो जाएगा. तो सेकंड क्या है, फाइनल टेम्परेचर इज जीरो केल्विन. हाँ, ये अगर जीरो होगा तो आपका जो ये रहेगा सिर्फ वन आएगा, मतलब आपकी 100% एफिशिएंसी. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. ओके, इसके बाद आपका 156 है, एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर्स ऑफ 900 केल्विन एंड T2 एंड अनादर इंजन बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन फॉर बोथ टू डू इक्वल वर्क वैल्यू ऑफ T2 विल बी. अगर दोनों में ही इक्वल वर्क हो रहा है तो आपका जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका T1, जो मतलब इनिशियल टेम्परेचर, और एकदम सेकेंड इंजन के लिए जो फाइनल टेम्परेचर है वो ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, ठीक. तो इसमें क्या है आपका,
900 प्लस 400 तो हो गया 1300 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका आ जाएगा 650। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 650 केल्विन। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। इसके बाद 157 है, स्टेडी फ्लो सिस्टम वर्क कैन बी डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन, तो ये होता है माइनस इंटीग्रल 1 to 2 VDP। अगर यहीं पे नॉन फ्लो की बात करता तो वो हो जाता PDV। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद 158 है, इफ़ अ हीट इंजन अटेन्स 100% थर्मल एफिशिएंसी इट वायलेट्स, अगर उसने 100% थर्मल एफिशिएंसी अचीव कर ली है तो वो वायलेट करेगा सी पार्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। ओके, इसके बाद 159 है, अकॉर्डिंग टू, देखिए 158 में देखिए सेकेंड लॉ हमें क्या बताता है, क्या वो बताता है, लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। हीट पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, जब पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकती है तो आपको 100% थर्मल एफिशिएंसी कहाँ से मिलेगी, इसीलिए ये मतलब कि वॉलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। ओके, इसके बाद 159 है, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस इनइक्वलिटी सिस्टम इनइक्वलिटी स्टेटमेंट फॉर एनी साइकिल ऑफ प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, तो साइक्लिक डेल क्यू बाई डी वो आपका लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इक्वल टू जीरो तब होगा जब आपका रिवर्सिबल होगा, और लेस देन जीरो तब होगा जब वो इरिवर्सिबल होगा। ठीक, इसके बाद 160 है, अकॉर्डिंग टू जेम्स जूल, तो ये क्या होगा आपका क्यू इक्वल टू डब्ल्यू बाई जे, सो करेक्ट ऑप्शन इज। तो इसके बाद हम लोग 161 देखते हैं, इफ़ हीट बी एक्सचेंज इन अ रिवर्सिबल मैनर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस विल चेंज अकॉर्डिंगली, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इंट्रोपी। ठीक, इसके बाद 162 है, इफ़ अ सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट देन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सम ऑफ हीट एंड वर्क ट्रांसफर विल बी जीरो। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया डी पार्ट। इसके पास 163 है, अकॉर्डिंग ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट हीट फ्लो फ्रॉम हॉट सब्सटेंस अनएडेड, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस, हीट कैन फ्लो फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ई पार्ट। ठीक, तो ई पार्ट में क्या दिया है, बी एंड डी दोनों। देखिए हॉट से कोल्ड जाने में उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब नेचुरली मतलब ये मतलब नेचुरल फिनोमिना है कि हीट ट्रांसफ़र करेगी हॉट से कोल्ड की तरफ, बट अगर आपको कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रांसफ़र करनी है तो आपको एक एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। ठीक, तो यही है आपका बी और डी ऑप्शन में। ओके, इसके बाद 164 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द परपेज PPM ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक, तो परपेचुअल मोशन ऑफ द फर्स्ट काइंड मशीन कौन सी है, तो वो है कि अगर कोई इंजन है, ठीक, आप इससे मतलब इसमें वर्क डन हो रहा है W विदाउट एनी हीट, मतलब कि इसमें हीट जो एब्जॉर्ब है वो भी जीरो है, मतलब कि इसको किसी भी तरह से एनर्जी नहीं मिल रही है बट ये वर्क डन कर रहा है, तो ये है आपका मतलब PPM 1। ठीक, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, इंजन विद 100% थर्मल एफिशिएंसी, अ फुल्ली रिवर्सिबल इंजन, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लो सोर्स टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, अ मशीन दैट कॉन्टीन्यूसली क्रिएट्स इन ओन एनर्जी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। ठीक, इसके बाद 165 है, एन एक्चुअल इंजन इज टू बी डिजाइन हैविंग सेम एफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल, सच अ प्रपोजिशन इज इम्पॉसिबल है ऐसा। ठीक, किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, मतलब कि उसकी एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ज़्यादा या फिर इक्वल नहीं हो सकती है। ठीक, इसके बाद 166 है, हाँ मैन्युफैक्चरर क्लेम्स टू हैव अ हीट इंजन कैपेबल ऑफ डेवलपिंग 20 हॉर्स पावर बाई रिसीविंग हीट इनपुट ऑफ 400 किलो कैलोरी पर मीट्रिक एंड वर्किंग्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 227 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड हिज क्लेम इज। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें थर्मल एफिशिएंसी मतलब कि रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे, 27 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 और 227 को करेंगे तो वो आ जाएगा 500। ठीक, तो ये आपकी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी आपकी 40%। ओके, अब आपको क्या करना है, इससे हमें वर्डन कितना हुआ है 20। ठीक, तो वर्डन को पहले आप जूल में कन्वर्ट करिए,
ये वॉट में, ठीक, तो ये हॉर्स, ये हॉर्स पावर को, ठीक, तो ये हो गया 20 × 746 और डिवाइडेड बाई 400, फिर इसको भी आप जूल में, तो यहाँ से आप जो एफिशिएंसी निकालेंगे वो एफिशिएंसी आपकी 40% से कम आनी चाहिए, तभी ये जस्टिफाइड होगा, अदरवाइज़ ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, ठीक। अगर ये एफिशिएंसी जो हमने निकाली है वो अगर ज़्यादा आ गई 40% से तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक। इसके बाद 167 है, इन अ कॉर्नोट साइकिल हीट इज़ ट्रांसफर्ड एट, तो हीट इन अ कॉर्नोट साइकिल हीट ट्रांसफर होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इसके बाद 168 है, एन इन्वेंटर क्लेम्स दैट हिज हीट इंजन हैज़ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, पावर डेवलप्ड है 50 किलोवाट, फ्यूल बर्न कर रहा है पर आवर 3 kg, हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल कितनी है 75,000 kJ/kg, टेम्परेचर लिमिट कितनी है 627 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सेम क्वेश्चन आपका 166 था, बस इसमें आपको क्या दिया, उसमें डायरेक्ट आपको हीट दी हुई थी, इसमें आपको फ्यूल बर्न पर आवर दे दिया और कैलोरीफिक वैल्यू दे दी है। तो आप इसमें क्या करेंगे, तो MF जो आपका फ्यूल है वो इनटू कैलोरीफिक वैल्यू से आप निकालेंगे हीट सप्लाइड, ठीक। अब आपको हीट सप्लाइड पता हो गई और पावर डेवलप्ड पता है, तो WyQ से आप वो निकाल लेंगे एफिशिएंसी, ठीक। ये एफिशिएंसी आपकी कम आनी चाहिए जब आप ये टेम्परेचर लिमिट से, जब आप रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी निकालेंगे उससे, ठीक, तब आपका क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक। तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। तो इसके बाद 169 है, जूल केल्विन कोफिशियंट इज डिनोटेड बाई, तो म्यू इक्वल टू होता है डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 170 है, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंजेस, तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज मतलब कि डेल्टा एस वो आपका ज़्यादा होना चाहिए डेल क्यू बाई टी से, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके पास 171 है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा डेल क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसको जीरो होना चाहिए, ओके। इसके बाद आपका 172 है, चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड्स अपॉन, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी डिपेंड करती है आपकी चेंज ऑफ हीट पे, ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 173 है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा डेल क्यू बाई टी फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो डेल क्यू बाई टी की वैल्यू फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद आपका 174 है, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस PV की पावर n इक्वल टू c फॉर अ परफेक्ट गैस चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज, तो देखिए पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, ए प्रोसेस के लिए जो आपकी स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है Cn इक्वल टू Cv इंटू गामा माइनस n डिवाइडेड बाई 1 - n, ठीक, ये होती है आपकी फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। अब देखिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होती है, Cv ln T2 बाई T1, ठीक, तो इसमें आपने Cn जो आपके C मतलब वो आपकी स्पेसिफिक हीट है उसको आप इससे चेंज कर दीजिए, तो आपका Cv गामा माइनस एन बाई 1 - n ln T2 बाई T1। अब जब आप इसको V2 बाई V1 में चेंज करेंगे और Cv को R में, तो आपका ये ऑप्शन भी सही आ जाएगा, गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 R ln V2 बाई V1, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ई पार्ट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ओके। इसके बाद आपका 175 है, द वैल्यू ऑफ जूल केल्विन कोफिशिएंट, वही म्यू जो अभी हम लोगों ने देखा था, डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू होती है जीरो, ठीक। इसके बाद 176 है, या क्लोज्ड गैसियस सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विद 200 kcal are rejected, द वॉल्यूम चेंजिंग फ्रॉम 4 m³ टू 2 m³ एंड द प्रेशर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एट 4.27 kg/cm², द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी, तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको हीट तो पता है, ठीक, और आपको WP × ΔV से फाइंड कर लेंगे, बट इसमें देखिए हीट हमारी क्या हो रही है, रिजेक्ट, तो जो क्यू होगा वो हम माइनस लेंगे, ठीक, और ये इसके बाद ये पी V2 - V1 से इसको साइन के साथ लेंगे, मतलब कि चाहे वो कम है, चाहे वो माइनस में आए, चाहे वो निगेटिव में आए, देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये आपका माइनस में ही आएगा, ठीक, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो W - Q हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ से आपको चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक। इसके बाद आपका 177 है, एन इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ 900 केल्विन एंड T2 एंड अनदर बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन
फॉर बोथ टू बी इक्वली एफिशियंट टी टू विल बी। अब देखिए एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखा था, उसमें इसने क्या बोला था कि आपका वर्क डन सेम है दोनों के लिए, ठीक। अब वो इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी दोनों के लिए एफिशिएंसी सेम है, तो जब एफिशिएंसी सेम होगी तब आपका जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा वो अंडर रूट होगा स्टार्टिंग का टेम्परेचर और एकदम फाइनल टेम्परेचर, ठीक। और जब आपका वर्क डन सेम होगा तो वो दोनों का एवरेज होगा T1 + T3/2, ठीक। अब यहाँ पे इक्वली एफिशिएंट बोला है तो आपका होगा अंडर रूट 900 × 400, तो ये आपका आ जाएगा 600 केल्विन, ओके। इसके बाद 178 है, द वैल्यू ऑफ इंट्रॉपी एट 0°C इज टेकन एज, तो वैल्यू ऑफ इंट्रॉपी कितनी होगी एट 0°C पे, वो होगी 0, ओके। इसके बाद 179 है, एन इंजन इज सप्लाइड विद 1130 kcal/m³ ऑफ हीट, द हीट सोर्स एंड सिंक बीइंग मेंटेन्ड एट 565 केल्विन एंड 315 केल्विन रेस्पेक्टिवली, इफ हीट रिजेक्टेड इज 630 kcal/m³, देन अप्लाइंग क्लॉसियस इनइक्वालिटी डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस इज। तो देखिए इसमें उसने कितना वो दिया हीट गया 1130 565 पे, तो देखिए इसमें क्या होगा, वो हीट को मतलब हीट जो है वो सप्लाई, तो वो कितना होगा 1130 / 565, ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक। माइनस आपका कितना होगा 630 / 315, तो ये तो आपका 2 - 2 आ गया, जब 2 - 2 आ गया तो मतलब 0, तो आपका कैसा प्रोसेस हो गया, ये तो हो गया रिवर्सिबल, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, जो 180 बोला है कि अगर हीट रिजेक्टेड आपकी 315 हो, मतलब कि स्टार्टिंग का 2 अब उसने 315 कर दिए, तो आपका 315 / 315, तो मतलब कि 1, तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक। तो मतलब पॉजिटिव आ गया, तो ये मतलब कि ∆Q/T की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, तो ये तो आप ये तो हो गया आपका इम्पॉसिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल के लिए हमें ∆Q/T की वैल्यू <0 चाहिए थी, और तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ओके। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 181 से 230 तक के देखेंगे, सो